A very good morning to all of you. If any doubt is there from yesterday's lecture, you can ask. Otherwise, we will continue with the examples of miscellaneous exercise. Yesterday, we had done the first example of this, example number 25. Have completed this. Now we will continue with the example number 26. Again, this type of question we hadn't done, so just see this very carefully. This is an example of miscellaneous exercise, example number 26. In this, we are given cos 2x, cos x by 2, minus cos 3x, cos 9x by 2. Cos 2x, cos x by 2, minus cos 3x, cos 9x by 2. And we are to prove that this is equal to sin 5x by 2. अब यहाँ देखो, left hand side हम लेके चलेंगे. अगर हम वैसे इसको देखें तो यहाँ एंगल 2x, here it is x by 2, 3x and 9x by 2. तो it means कि वैसे भी अगर हम इसको देखें cos A, cos B, minus ये भी again cos C, cos D बन रहे हैं. इसमें हमारा कोई as such formula हमने नहीं किया हुआ. तो हम क्या करेंगे? इसको जो है convert करेंगे जो किया हुआ है उसमें. हमने 2 cos A, cos B का formula किया हुआ है. तो इसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट हम अपने पास चेंज नहीं है. वी विल गो विद द लेफ्ट हैंड साइड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2. सो हाफ हमारा बाहर आ जाएगा कि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2. 2 cos A cos B बन गया ये वाला फॉर्मूला. ये भी 2 cos A cos B बन गया हमारा फॉर्मूला. अब 2 cos A cos B का जो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज cos of A plus B प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो यहाँ पे भी ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे भी फॉर्मूला. दिस इज 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. हाफ ये हमारा एज इट इज आ जाएगा. इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए लेंगे हम 2x, बी लेंगे हम x by 2. सो दिस विल बिकम कॉस ऑफ A plus B, then again this is the plus sign, cos of A minus B. अब यहाँ पे ये वाला minus as it is, same यहाँ पे भी यही formula हम apply करेंगे. क्योंकि तो यहाँ negative sign है, तो again we will take a bracket. So this will be cos 3x plus 9x by 2, cos of A plus B plus cos of A minus. यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट बंद करनी है आपने, ये ध्यान रखना. और ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद करनी है. दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पे आपकी क्लोज करनी है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस. अब नेक्स्ट जो है इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे. 2x plus x by 2 LCM ले लोगे. 2 2s are 4x plus x by 2 यानी कि 5x by 2. यहाँ पे भी LCM लोगे, this will become 4x minus x by 2 यानी कि 3x by 2. Here it will be 3 2s are 6 plus 9 15x by 2 and here it will be minus 3x by 2. तो इसको simplify करने के लिए this is half of cos, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 5x by 2 plus cos of
ये दोनों मैंने सिंप्लीफाई कर लिए, ये 5x by 2 आ गया, ये 3x by 2 आ गया। अब नेक्स्ट वाला हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज cos of, ये 3 2 6 plus 9 15x by 2 10 plus, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी cos 6x minus 9x यानी कि minus 3x by 2। ये वाली ब्रैकेट क्लोज की, देन ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी। So, ये हमारा बन गया cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus cos 15x by 2 plus cos of minus 3x by 2। अब cos of minus theta हमारा क्या होता है, that is cos theta। तो यहाँ पे this will become cos 5x by 2 plus cos 3x by 2 minus, ये bracket हम खोल लेंगे, cos 15x by 2 minus into plus is minus cos of 3x by 2। यहाँ ये ध्यान रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना कि cos of ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगाया, यहाँ पे ये वाला माइनस इधर लगा है और यहाँ भी शर्त आप लिख दो cos of minus 3x by 2 is equal to cos of 3x by 2, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है cos of minus theta जो है that is equal to cos theta। अब इसमें जो है ये चीज आ गई हमारे पास, cos 3x by 2 पॉजिटिव है, cos 3x by 2 यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट करते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विद cos 5x by 2 minus cos 15x by 2, तो दिस इज हाफ cos 5x by 2 minus cos 15x by 2। अब ये हमारा फर्दर जो है फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो राइट हैंड साइड मेरा साइन की टर्म्स में आ रहा है ये आंसर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे cos c minus cos d, दैट इज माइनस टू साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय टू साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय टू, सेम हम यहाँ पे लगाएंगे हाफ ऑफ माइनस टू साइन sum of the angles by 2, angles are 5x by 2 and 15x by 2 divided by 2, then again sin, then difference of the angles by 2. So c tha mera 5x by 2, d tha mera 15x by 2, so minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2, ये ब्रैकेट क्लोज करोगे यहाँ पे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपका बनेगा 5x plus 15x, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो दिस इज 20x by 2 यानी कि 10x, फर्दर आप उसको इस वाले 2 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम 5x, सेम वे में यहाँ पे 5x minus 15x will become minus 10x, minus 10x को जब आप इस 2 से पहले आप इस 2 से डिवाइड करोगे तो that will become 5 with minus sign, और फिर जब आप इस 2 से डिवाइड करोगे तो that will be written as minus 5x by 2। तो मैं एक स्टेप अगेन स्किप कर रही हूँ, प्लस माइनस में यू कैन डू इट योरसेल्फ, तो ये बन गया मेरा यहाँ पे 5 plus 15 20 by ये वाले 2 से डिवाइड किया 10, फिर ये वाले 2 से डिवाइड किया 5, उसके बाद साइन 5 minus 15 is minus 10, इस वाले 2 से डिवाइड किया माइनस 5x, और ये वाला 2 जो डिनोमिनेटर में था ये एज इट इज, अब ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ टू साइन 5x साइन 5x by 2, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका प्लस बन गया, देन ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद साइन 5x साइन 5x by 2, सो दिस इज योर आंसर व्हिच इज योर RHS। एक बार इसको दोबारा से देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमारा
या साइन के प्रोडक्ट की फॉर्म में आते हैं, कॉस टू एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स बाय टू। अगर यहाँ पे साइन के साथ होता और यही दो एंगल्स होते तो हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग जाना था, बट यहाँ पे भी कॉस की टर्म्स हैं, यहाँ पे भी कॉस की टर्म्स हैं, मोर ओवर इनके एंगल्स भी डिफरेंट हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पे टू कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू किया दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो गई टू कॉस टू एक्स कॉस एक्स बाय टू माइनस का साइन एज इट इज, और ये हो जाएगा टू कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स बाय टू, ये बाहर हमने टू से डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट ये वाला हाफ आगे एज इट इज चलता जाएगा। इधर हमने लिया टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिर ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे भी दोबारा सेम फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ इसको सिंप्लीफाई कर लिया फाइव एक्स बाय टू आ गया फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले से थ्री एक्स बाय टू माइनस का साइन एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई किया फिफ्टीन एक्स बाय टू, इसको सिंप्लीफाई किया माइनस थ्री एक्स बाय टू, देन जो हमारी ब्रैकेट्स हैं वो हमने ओपन कर ली। यहाँ पे अगेन हमने कंसेप्ट लगाया कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का, जो कैंसिलेशन हो रही थी कैंसिलेशन की, अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई दिस इज कॉस सी माइनस कॉस डी, तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया सिंप्लीफाई किया एंड वी विल गेट द राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना। इसमें हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई बाई एट, टेन पाई बाई एट जो है अगर मैं देखूं तो दैट इज डिग्रीज में अगर मैं इसको देखूं तो 22.5 जो कि 45 का हाफ, पाई को 180 पुट करो एट से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 22.5, तो 22.5 जो है दैट इज हाफ ऑफ 45 degrees, यानी कि पाई बाई फोर, तो इसको हम पाई बाई फोर से ही लेके चलेंगे, पाई बाई फोर की हमें वैल्यू पता है और पाई बाई एट की वैल्यू हम उसको यूज करके कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन है दिस इज योर एग्जांपल नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पाई अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो इसको मैं x मान लूंगी, लेट x पाई बाय 8। अब मुझे पाई बाय 8 की वैल्यू नहीं पता, पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूंगी दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 8, 2 पाई बाय 8 क्या है दैट इज पाई बाय 4। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेन की निकालनी है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम टेन ऑफ बोथ साइड्स ले लेंगे, टेकिंग टेन ऑफ बोथ साइड्स वी विल गेट टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर। अब अगेन टेन पाई बाय फोर की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 1, टेन टू एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे दिस इज पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 इज 1, अब ये मेरा बन जाएगा 2 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर x, सारी टर्म्स में एक तरफ ले लेती हूँ, तो दिस इज tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोबारा देखो यहाँ तक tan पाई बाय 8 की वैल्यू मुझे निकालनी है, पाई बाय 8 को अगर मैं चेक करूँ तो दिस इज 22.5 डिग्री जो कि 45 का हाफ, तो मैंने क्या किया x को पाई बाय 8 यानी कि 22.5 डिग्री मान लिया, फिर ट्वाइस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये मेरा 45 डिग्री बन गया जिसकी वैल्यू मुझे पता है, कोई भी टी रेशियो हो 45 में मुझे वैल्यू पता है। अब मुझे टेन पाई बाय 8 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने दोनों तरफ 10 ले लिया, टेन पाई बाय 4 1 से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे टेन टू एक्स का क्योंकि मुझे टेन एक्स की फॉर्म में चाहिए, एक्स मेरा पाई बाय 8 है, यहाँ पे 2x बन रहा है तो मुझे एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसका जो डबल वाला फॉर्मूला था एंगल का वो यूज कर लिया,
दैट इज 210 हाफ ऑफ द एंगल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये मेरी अब tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन. अब यहां से जो मेरी वैल्यूज निकलेंगी दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ tan pi by 8 क्योंकि x मेरा क्या है pi by 8. मैं यहां पे रिप्लेसमेंट कर लूंगी tan स्क्वायर pi by 8 प्लस 2 tan pi by 8 माइनस 1 इक्वल टू. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चाहे तो आप इसको tan pi by 8 की टर्म्स में ले लो क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. अदरवाइज आप अगेन इसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो tan pi by 8 को हम क्या कर सकते हैं y पुट करके, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन डू इन दैट वे. तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट tan pi by 8 इज इक्वल टू y. तो इक्वेशन 1 बिकम्स y square plus 2y minus 1 equal to 0. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं. y is equal to minus b plus minus root b square minus this is 4ac, जब आप लोगे तो this will become plus 4 upon में 2, this is minus 2 plus minus root 8 or it can be written as 2 root 2 upon 2. यहां से 2 तीनों में से आप कॉमन ले लोगे, न्यूमिनेटर से कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 1 प्लस माइनस 2. इसको दोबारा देखो इस स्टेप को, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी tan स्क्वायर pi by 8 की टर्म्स में. तो अगर तो आप ऐसे लेना चाहते हो तो यहाँ tan pi by 8 आ जाएगा क्योंकि जो भी वेरिएबल में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो वेरिएबल लिखते हैं. जैसे हम x स्क्वायर की टर्म्स में करते थे तो हम x इज इक्वल टू लिखते थे. अब यहाँ पे tan pi by 8 की टर्म्स में अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो यहाँ tan pi by 8 लिखोगे. अगर वैसे आपको डिफिकल्ट लगता है तो क्या करना है, tan pi by 8 को y वेरिएबल से रिप्लेस कर दो. तो tan स्क्वायर की जगह y स्क्वायर प्लस 2, tan pi by 8 की जगह प्लस 2y और ये माइनस 1 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज. अब ये क्वाड्रेटिक को मैंने फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. a 1 था, b 2 था, c माइनस 1 था. ये वही 10th वाला हमने फॉर्मूला यूज किया है. इसको सिंप्लीफाई किया, 4 प्लस 4 इज रूट 8. रूट 8 को आप 4 into 2 लिख सकते हैं and 4 का square root is 2. तो root 8 जो है that is 2 root 2. मैंने यहाँ 2 root 2 से replace कर दिया. 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. numerator में से 2 common लेके denominator से हमने cancel out कर दिया. we are left with minus minus root 2. अब ये y किसको represent कर रहा है, tan y by 8. अब इधर देखो root 2 की जो मैं approximate value देती हूँ वो क्या लेके चलती हूँ, 1.414 which is greater than 1. यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1.414 है, तो 1.414 जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि root 2 जो है वो greater than 1. अब root 2 जब greater than 1 है, tan pi by 8 कितना है, 22.5 degree which is first quadrant. First quadrant में all the t ratios are positive. तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेती हूँ तो वो tan pi by 8 की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी वैल्यू नहीं है. tan pi by 8 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस को रिजेक्ट कर देंगे. तो दिस इंप्लाइज tan pi by 8 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 2. यहाँ लिख दोगे एज tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो आपकी tan pi by 8 की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 1 प्लस रूट 2. सो दिस वाज योर एग्जांपल 7. थोड़ा सा ये आपको जो है मुश्किल लगेगा तो इसको ध्यान से करना, है भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. पहले tan pi by 8 हमने डिग्रीज में चेक कर लिया तो दैट वाज 22.5 डिग्री जो 45 का हाफ है. तो हमने क्या किया, x इसको pi by 8 को x मान लिया तो 2x हमारे पास pi by 4 यानी कि 45 डिग्री आ गया. फिर हमें tan में वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ हमने tan ले लिया.
टेन डबल था एंगल, यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा लिया, टू टेन हाफ ऑफ द एंगल अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, यहाँ पे इस टर्म को हम इधर ले गए, देन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। इसमें भी नेगेटिव वैल्यू हम क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि टेन पाई बाई एट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इज पॉजिटिव, तो जो माइनस वाली वैल्यू को हमने रिजेक्ट करके जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमने आंसर। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमें tan x गिवन है और हमें sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी, मतलब x गिवन है और x by 2 वाले एंगल्स की वैल्यूज जो है हमें कैलकुलेट करनी। अब देखो x हमें गिवन है पाई से 3 पाई by 2 के बीच में, तो हमें x by 2 का भी जो है वो क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा कि वो कौन से इंटरवल के बीच में आपका लाइक है। तो जब हमें x का इंटरवल गिवन है कि x lies in between this quadrant, तो x by 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों जो टर्म्स हमें गिवन होती है तीनों की तीनों को हम 2 से डिवाइड, जब हमें x by 2 की फॉर्म। अब देखो गिवन क्या है, tan x is equal to 3 pi by 2 और मुझे गिवन है दैट x lies between pi to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2 मतलब 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमें पॉजिटिव गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x। अब ध्यान देना है x जो है वो 180 से 270 के बीच में लाई कर रहे हैं, हमें x by 2 एंगल निकालना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि x by 2 जो है वो आपका कौन से उसमें लाई करेगा, क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x by 2 डिवाइड by 2 किया, लीनियर इनइक्वालिटीज से हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर इधर मैंने 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी मैं दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड, तो पाई को 2 से डिवाइड करके दिस इज पाई बाई 2, दिस इज x by 2, 3 पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करके This is 3 pi by 4. यानी कि अब ये pi by 2 से 3 pi by 4 के बीच में लाई करेगा, जो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। pi by 2 से बड़ा x by 2 जो है that is greater than pi by 2, 90 से बड़ा है, 3 pi by 4 से छोटा है, 135 से छोटा है। तो 90 और 135 means second quadrant. Second quadrant में sin is positive, cos and tan are negative. So it means इसका रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के जो रिजल्ट है मेरे वो नेगेटिव आए। जब मुझे इस तरीके से गिवन होते हैं और साइन x by 2, cos x by 2, tan x by 2 की वैल्यूज निकालते हैं, मैं क्या करती हूँ यहाँ से जो है cos की वैल्यू निकालती हूँ, tan मुझे गिवन है cos की मैं वैल्यू निकाल दूंगी एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल प्रोसीड। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज यूज कर लो, चाहे आप जैसे टेंथ में करते थे मेथड यूज करते थे कि इनका रेशियो ले लो, जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल उससे आपका ये पी और बी गिवन है तो उससे आप अपना एच निकाल लो एंड देन यू कैन प्रोसीड, चाहे आप वैसे कर लो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो जैसे आपको करना है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ लिखेंगे साइन एक्स बाई टू इज पॉजिटिव and cos x by 2 and tan x by 2 are ये दोनों negative हो गए और वो positive हो गए। अब हमने लेके चलना है tan x मुझे given है 3 by 2 और मुझे value किसकी निकालनी है, cos x की निकालनी है क्योंकि cos में मेरा sin x by 2 वाला formula भी है, cos x by 2 वाला भी formula है, ये दोनों values आ गई तो tan हम निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब tan x 3 pi by 4 है, पहले मैं secant निकालूंगी, secant का reciprocal मुझे पता है tan, तो यहाँ पे मैं formula use करूंगी x is equal to 1 plus tan square x, अब secant square x की value निकालनी है तो tan की value मुझे given है, मैं put कर दूंगी यहाँ पे this is 3 by 4 pi, this is 3 by 4 pi जो है वो उसका given था इस वाले x का पाई था, तो दिस इज 9 बाई 60,
सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया आपका 25/16, सीकेंट एक्स आ गया हमारा प्लस माइनस 5/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको मैं नेगेटिव लेके चलूंगी क्योंकि एक्स जो है वो आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स जो है मेरा वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कॉस साइन कॉसेक दीज ऑल आर नेगेटिव। सीकेंट का जब मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव में यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड पर। ये मुझे गिवन है एक्स लाइज इन बिटवीन पाई 3π/2, पाई इज 180, 3π/2 इज 270, तो दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट इज नेगेटिव। अब सीकेंट से मुझे कॉस मिल जाएगा क्योंकि कॉस उसका रेसिप्रोकल होता है। अब मुझे ये कॉस मिल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है मुझे कॉस 2x वाला, दैट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। देन कॉस 2x वाला अगेन मुझे फॉर्मूला पता है 2 cos² x हाफ ऑफ द एंगल -1, तो वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल लेंगे। कॉस 2x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, और दूसरा कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos² हाफ ऑफ द एंगल -1। अब इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ किस तरीके से, क्योंकि मुझे साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको रीराइट करूंगी। 2 sin² x में इधर ले आऊंगी, कॉस 2x में उधर ले जाऊंगी, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 - cos² x बाय 2। इसी तरीके से कॉस 2x, ये -1 हम इधर ले आएंगे, तो कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इज 1 + cos² x बाय 2। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट एज इट इज जो है लर्न कर लेना, ये आपके काफी जगह पे यूज होने हैं। अगर मुझे गिवन है 1 - cos² x / 2, तो दैट इज साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल। यहाँ डबल एंगल है, यहाँ हाफ एंगल है। साइन स्क्वायर की फॉर्म में 1 माइनस लेके चलना है, कॉस स्क्वायर की फॉर्म में 1 प्लस लेके चलना है। साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 1 - cos² x / 2, देन कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल ले रहे हैं हम, तो दैट इज 1 + cos² x / 2, जो यहाँ एंगल है उसका डबल बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले अब हम यहाँ पे यूज करें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos² x / 2। अब कॉस एक्स है यहाँ पे, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, हाफ ऑफ द एंगल यानी कि एक्स बाय 2। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, दिस इज इक्वल टू 1 - cos² x / 2, x by 2 का double is x divided by 2। तो sin x by 2 जब मैं निकालूंगी, यहाँ पे मैं cos x की वैल्यू है वो पुट कर दूंगी, 1 - -4/5/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 4/5/2। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी 9/5/2, दैट इज 9/10। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई 9/10। दोबारा देखो ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल है यहाँ पे, 1 - cos² x / 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल मेरा एक्स बाई टू था, क्योंकि मुझे एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, एक्स बाई टू का डबल यहाँ पे एक्स बनेगा, तो दिस इज साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल इज 1 - cos² x / 2। अब कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास -4/5 थी, मैंने पुट की, सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया मेरे पास 9/10। अब एक्स बाय 2 मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव, तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो आई हैव टू टेक द पॉजिटिव, तो साइन एक्स बाय 2 आ गया मेरा 3/√10, बिकॉज एक्स बाय 2 लाइज इन द सेकंड। ये दो तीन क्वेश्चंस करोगे तब आपको जाके अच्छे से क्लियर होगा।
साइन एक्स बाई टू आ गया मेरे पास 3/√10। अब मुझे कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए चाहे आप आइडेंटिटी यूज करो जैसे टेंथ में आप करते थे, अदरवाइज सेम ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो जैसे आपको कन्वीनियंट। अब कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर में 1 + cos x/2 cos² x/2 इज इक्वल टू 1 + cos x हमारे पास है -4/5 अपॉन में दिस इज 2, तो ये आपका बन जाएगा 5 - 4/2 दैट इज 1/5 इज 10। ये आपके पास cos² x/2 आ गया 1/10। सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लेना, यू नो हाउ टू डू द कैलकुलेशंस। अब cos x/2 क्या आ गया यहाँ पे, दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos x/2 इज नेगेटिव, तो माइनस का साइन लेना है, 1 का रूट इज 1, 10 रूट इज रूट 10। यहाँ आप लिखोगे x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रीजंस जरूर मेंशन करने हैं कि क्यों आप पॉजिटिव ले रहे हो, क्यों आप नेगेटिव ले रहे हो, दैट ऑल रीजंस यू हैव टू मेंशन। अब साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन निकालना है, तो साइन वाली वैल्यू को टेन वाली वैल्यू से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। टेन एक्स बाई टू जो है दैट इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। इसको मैं यहाँ ऊपर कर देती हूँ, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू है मेरे पास 3/√10, कॉस एक्स बाई टू है -1/√10। डिनोमिनेटर में दोनों में √10 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/-1 -3, tan x/2 इज नेगेटिव। ऑटोमेटिकली जब हमने ये लिया तो ये हमारा नेगेटिव आ गया, तो दिस इज योर आंसर। साइन एक्स बाई टू आपका आ गया 3/√10, ये आ गया -1/√10 और tan x/2 आ गया हमारा -3। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना है, दोबारा समझ लो। हमें जो है tan x गिवन है 3/4 और x गिवन है दैट लाइज बिटवीन पाई टू 3/2। वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू। तो x अगर पाई से 3/2 के बीच में लाई करता है तो एक्स बाई टू विल लाई बिटवीन पाई बाई टू टू 3/4। सो यहाँ तीनों को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास x बाई टू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो आ गया, पाई बाई टू से 3/4 यानी कि दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस एंड टेन आर नेगेटिव। अब टेन एक्स गिवन था, यहाँ से मैंने पहले सेकेंड एक्स निकाला, सेकेंड एक्स से कॉस एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स आ गया मेरे पास, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - साइन के केस में 1 - लेके चलना है, कॉस के केस में 1 + लेके चलना है। 1 - cos(2) ये आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा 1 + cos(2). तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एंगल मुझे क्योंकि एक्स बाय टू चाहिए था, तो एक्स बाय टू यहाँ मेरा एंगल है, इसका डबल इज एक्स, तो 1 - cos(2). कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास -4/5 है, तो यहाँ पे पुट की ये माइनस इनटू माइनस आपका प्लस हो गया। एलसीएम लिया 5 + 4/5/2 दैट इज 9/5/2, ये दोनों के डिनोमिनेटर्स के हैं तो ये मल्टीप्लाई होती, वी गेट 9/10। साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/10, मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट जो है ऑन बोथ साइड। अब साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू वैसे तो +-3/√10 आना चाहिए, बट क्योंकि एक्स बाय टू आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया तो इसलिए हमने इस वैल्यू को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया। सेम वे में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज 1 + cos(2), एक्स बाई टू की वैल्यू निकालनी है तो कॉस एक्स हमने यहाँ पे पुट किया जो हमारा -4/5 था, सिंप्लीफाई किया 1/10 हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गई इसकी, स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड्स क्योंकि एक्स बाई टू आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमने कॉस की नेगेटिव वाली वैल्यू ले ली। देन टेन एक्स हमें पता है दैट इज साइन अपॉन कॉस, टेन एक्स बाई टू की वैल्यू चाहिए थी तो दैट इज साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये वाली एंगल सेम।
यहाँ पे साइन एक्स बाई टू की वैल्यू मेरे पास थी, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू है, इनको पुट किया एंड वी गॉट द आंसर. तो ये हमारा आ गया यहाँ पे -3. इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क, क्योंकि टाइम आपका हो चुका है तो यू वॉन्ट बी एबल टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपने बच्चे होमवर्क में जो मैंने ये लास्ट वाला करवाया है इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, 10x इज इक्वल टू -4/3. फिलहाल आपने आज एक तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सेकेंडली आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, यानी कि 5, 6, 7, 8, ये चार क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं होमवर्क में. इफ यू वॉन्ट बी एबल टू डू तो यू कैन आस्क योर डाउट्स टुमारो. आज के लेक्चर में इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके फाइन देन, आई एम एंडिंग द मीटिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.